नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए, कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564905096906089752386455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में और मैं के त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारी डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस की सीरीज है उसको यहाँ पर बाइलिंगुअल मैनर में कंटिन्यू करूंगा, कवर करूंगा। और जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो आर्टिकल्स हैं वो आपके सारे लीडिंग जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं और जो लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं वहां से कलेक्ट किए जाते हैं, फिर आप लोगों को यहाँ पर उपलब्ध कराए जाते हैं जो आप लोगों के लिए स्पेशली फॉर यूपीएससी सीएससी और जो उसके साथ ही जो स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायी सिद्ध होगी ये सीरीज। तो आप लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअस देखें, सतत रूप से देखें और इसका महत्तम लाभ भी अर्जित करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो में 10,000 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट किया तो आप लोगों को जो इसकी पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे जो इंस्टाग्राम का पेज है उस पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो आप लोग जो हमारा इंस्टाग्राम का पेज है उसे जरूर फॉलो कर ले और टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है उसे भी जरूर ज्वाइन कर ले क्योंकि वहीं पर सब नोटिफिकेशन और इंपॉर्टेंट अपडेट्स आप लोगों को उपलब्ध कराई जाती है। तो आज जो टॉपिक्स देखने जा रहे हैं हम लोग, सबसे पहले इसमें उजाला को देखेंगे हम। स्कीम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, अफोर्डेबल एलईडी से रिलेटेड है वो आपका, ठीक है ना। तो एलईडी वगैरह आप प्रोवाइड करना है तो एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड है, ऊर्जा दक्षता से रिलेटेड है, वहां पर लोगों के जो पैसे भी बचे वहां पर, है ना। कैसे, जैसे मान लीजिए पैसों की बचत होगी तो आदमी जब सेविंग कर पाएगा तो कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर पाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर में भी इसने सुधार किया है। इसको देखेंगे हम, 2015 से ये आपकी स्कीम चल रही है तो इसको देखेंगे हम लोग, थर्ड पेपर में रख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है, इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज सेकेंड है, इसको देखेंगे हम लोग, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट है, पेपर थर्ड में रख सकते हैं। उसके बाद ई गवर्नेंस 2020 और 2021 के लिए जो आपका 24th कॉन्फ्रेंस हुई है तो उसको देखेंगे हम लोग और मेनली इसमें ई गवर्नेंस, ट्रांसपेरेंसी, गुड गवर्नेंस उसी का ये एक पार्ट है ना। तो सेकंड पेपर में आप इसको रख सकते हैं। उसके बाद कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, तो यहाँ सिक्योरिटी का मुद्दा है, आप लोगों ने देखा होगा साइबर, जैसे साइबर के साइबर सिक्योरिटी का मुद्दा आप पढ़ते हैं तो ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, लगातार जो हमारे जीवन की आवश्यकताएं हैं उसकी डिपेंडेंसी जो है इस तरीके की टेक्नोलॉजी में क्या होती जा रही है, इंडल्ज होती जा रही है। तो यहाँ पर जो हमको जो है इस पूरे जो नेटवर्क को सुरक्षा प्रदान करना है ना, वहां पर इंश्योर करना सिक्योरिटी को, तो इस सबसे रिलेटेड ये आपका आर्टिकल है, वहां पर एक रिपोर्ट वगैरह आई है उसके बारे में देखेंगे हम लोग, तो थर्ड पेपर में रख सकते हैं। उसके बाद चिल्का लेक के बारे में यहाँ पर न्यूज है ना, तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डोमेन, मैंने बार बार पूछा था कल भी कि गंजम कोस्ट में अरीबाडू जो है गहिमाथा जो आप लोग जानते हैं वहां पर, है ना, तो वो किससे संदर्भित है, आज फिर पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो उसी से रिलेटेड है साइट के बारे में। एनवायरमेंट का पार्ट है आपका, आप पेपर थर्ड में इसको रख सकते हैं। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है बिल्कुल सिंपल सा आर्टिकल है, इसमें आप समझिएगा कि ये जो है इसके 7 ईयर्स जो है उजाला जो स्कीम है उसके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, कीवर्ड यही है आपका, एनर्जी एफिशिएंट और अफोर्डेबल एलईडी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको लॉन्च किया गया था और इसने अपने 7 साल पूरे किए हैं, ठीक है ना। अब ये जो है ये बताया जा रहा है कि बहुत छोटे से ही टाइम पे ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा जो है ये सक्सेस हुआ और वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम में से एक है। जो किस तरीके की जो हमारी समस्याएं हैं या जो हमारी आवश्यकताएं थी उसको किस तरीके से इसने संदर्भित किया, तो सबसे पहली चीज कि जो इलेक्ट्रिफिकेशन की कॉस्ट क्या थी बहुत ज्यादा, जो एक कंसर्न था, ठीक, उसको इसने क्या किया, उस कंसर्न को क्या किया, मिटिगेट किया, ठीक है ना। वहां पर क्या बताया, क्या बनाया उसको, अफोर्डेबल बनाया। दूसरा, यहां पर जो हाई एमिशन हो रहा था, ठीक है ना, हाई एमिशन हो रहा था और वहां पर अदक्षता था, जो उच्च उत्सर्जन की समस्या थी उसके साथ क्या हो रहा था, वहां पर अदक्षता दिखाई दे रही थी, किसमें,
लाइटिंग के पूरे सिस्टम में, है ना, जो आप लाइट के संदर्भ में देखते हैं ना, प्रकाश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो वहां पर क्या किया उसको भी उसने सॉल्व किया, मतलब एफिशिएंट लाइटिंग को एंश्योर किया इसने, ठीक है। इसके बाद आज तक बताया जा रहा है कि मतलब ये डेटा, अब ये डेटा नहीं याद करना हमको, कि 36.78 करोड़ जो एलईडी बल्ब है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं पूरे देश में, ठीक है ना, ये लगभग में आप याद कर सकते हैं 36.78 करोड़ जो आपके एलईडी जो आपकी लाइट्स है वो आपके डिस्ट्रीब्यूट किए जा चुके हैं पूरे देश में इस प्रोग्राम के अंतर्गत, ठीक। तो इसमें जो है लगभग लगभग कितने लोगों के जीवन को बदल डाला, तो काफी लोगों के जीवन को इसने जो है बदला है, है ना, तो ये टेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ पीपल्स बोल रहे हैं, तो ये सब याद नहीं करना है यहां पर। और इसने जो है ऊर्जा दक्षता के लिए जो है अतुलनीय कार्य किया है, ठीक है ना, सीधी बात है। इसके बाद जो यहां पर आगे लिखा गया है कि इसके इस स्कीम के कारण फायदा क्या हुआ, कि पहले जो आपकी एलईडी बल्ब वगैरह होते थे वो 300 और 350 की रेंज के बीच में आते थे, तो इसका जो रेट है प्राइस जो है उसका 70 से 80 हो गया, तो ये वाइबल हो गया लोगों के लिए, है ना, इसकी जो पहुंच है वो सुनिश्चित हुई, ठीक। अब इसके द्वारा क्या हुआ कि लोगों को सस्ती जो ऊर्जा का विकल्प है वो वहां पर उपलब्ध कराया गया, उसके कारण ऊर्जा में काफी बचत भी हुई, और अभी बोला जा रहा है कि एज ऑफ टुडे लगभग 47,778 मिलियन किलोवाट पर आवर जो बोलते हैं अपन, तो वो आपका पर एनम एनर्जी जो है वो सेव की जाती है। ये बड़ा डेटा है, इसको हम याद कर सकते हैं और रख सकते हैं अपने पास लगभग में लिख के, और इसको कोट करेंगे हम कि किस तरीके से जो है ऊर्जा दक्षता की ओर काम करते हैं, कर रहे हैं हम लोग, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर और ये बताया जा रहा है जो नेक्स्ट पॉइंट की, इसको सभी राज्यों ने यहाँ पर सपोर्ट किया है, उसको अपनाया है, ठीक है ना, और वहां पर जो उनका जो भी हाउस होल्ड्स का जो इलेक्ट्रिक बिल्स होता था वो भी आपका रिड्यूस हुआ है एनुअली, डेटा ये बता रहे हैं, ठीक। और कंज्यूमर वहां पर किस संदर्भ में एबल हो पाए हैं, तो अपनी मनी को सेव कर पा रहे हैं, अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को जो है इंप्रूव किया है उन्होंने, और कंट्रीब्यूट किया है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी में, ठीक बात है। आगे की ओर चलेंगे और यहां पर स्कीम के बारे में बताया जा रहा है, तो ये स्कीम जो है आपका उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडीज, ये लॉन्च की गई थी जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं उनके द्वारा 5th of January 2015 को, ठीक, याद कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट आ सकता है क्योंकि 7 साल हो गए इसको। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि इस प्रोग्राम के अंतर्गत गवर्नमेंट ने एंश्योर की है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, क्या ये आपका गुड गवर्नेंस से जाके नहीं कनेक्ट होगा। उसके बाद इंकरेज भी किया है प्रतिस्पर्धा को ई प्रोक्योरमेंट यहां पर लाकर, किसका ई प्रोक्योरमेंट, गुड्स और सर्विसेज का। इसका जो रिजल्टेंट देखा गया तो रिडक्शन हुआ यहां पर ट्रांजेक्शन कॉस्ट और टाइम में, ठीक, उसी से जो है आपकी ये पूरी की पूरी पूरी प्रोसेस में दक्षता जो है वहां पर बढ़ी है, एफिशिएंसी जो है रेज हुई है, ठीक, उजाला स्कीम के अंतर्गत। और यहाँ एलईडी बल्ब का जो आपका रेट है वो क्या हुआ है, कॉस्ट जो है 85% जो है वहां पर कम हुआ है, ठीक, तो लोगों के लिए वहनीय हो गया, ठीक। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसमें बिडर्स को बुलाया जाता है, ठीक है ना, वो भी लार्जर पूल से उनको जो है वहां पर बुलाने के कारण जो है उनकी भी संख्या बढ़ी, कंपटीशन बढ़ा, तो वहां पर जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट जो है वो भी वहां पर बेहतर हुआ है, और उपभोक्ताओं के लिए भी अब क्या है बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हो गए हैं, ठीक, यहां पर ये बताया जा रहा है। इसके बाद ये बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रियल जो आपका कॉम्पिटेटिवनेस है और जो हम होलसेल में जो खरीद की बात यहां पर किया जा रहा है, तो उसके लिए भी यहां पर जो है स्ट्रैटेजी जो अपनाया है किसने, EESL, जिसको आप एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसने भी वहां पर स्ट्रैटेजी जो है जिसको फॉलो किया, उसके कारण लोगों को जो है लाभ मिला है, ठीक है ना। और यही जो उजाला आपका प्रोग्राम है उसको जाना जाता है एज यूएसपी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो आपका उजाला के अंतर्गत बताया जा रहा है, उजाला स्कीम के अंतर्गत, कि ये जो है आपका पर्यावरण के संदर्भ में भी अपना क्या देता है पॉजिटिव, इसका क्या है इंपैक्ट है, ठीक है ना, सीधी बात है, है ना, एनर्जी एफिशिएंसी के लिए बात करें, बताइएगा एसडीजी में किसी गोल नंबर से ये रिलेटेड है क्या आपका, जो 17 गोल है आपके, ठीक। इसके बाद यहां पर ये भी बताया जा रहा है कि ऊर्जा दक्षता से जुड़ा जो भी आपका पर्यावरणीय संदर्भ है और जो भी आपका वित्तीय संदर्भ है उसके क्या लाभ हो सकते हैं, उसके बारे में भी लोगों में अवेयरनेस फैलाने में भी मदद
मिली है। इसके बाद आगे की ओर देखेंगे और ये इंट्रा स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर फेज सेकंड है। इंट्रा और इंटर में डिफरेंस होता है, इंटर मतलब दो राज्यों के बीच में ऐसे समझिए, है ना, और इंट्रा का मतलब क्या हो गया, एक राज्य के भीतर, ऐसा संदर्भ है। तो अभी जो है यहां पर जो हमारी कैबिनेट कमेटी ऑन जो आपका क्या है इकोनॉमिक अफेयर्स, उसने अप्रूव किया है इसको, ठीक है ना। इसका फेज सेकंड जो है आपका ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर का, उसको मंजूरी दी है। अब इसमें की पॉइंट्स देख लेते हैं। अब ये जो आर्टिकल्स होते हैं इनको हम आंसर में अपने क्या करते हैं, आंसर में सिर्फ यूज करते हैं आंसर्स में, है ना। एक एक घटना है ये कि किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए, तो इसको जो है हम कोट करेंगे, पूरी योजना को लिखना नहीं होता है, योजना सिर्फ जो है हम एज एग्जांपल यूज करते हैं वहां पर, ठीक। अब यहां पर मंत्री ने यहां पर बताया है कि जो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021-22 से लेकर 25-26 तक, उसके लिए जो है उस अवधि में जो है ट्रांसमिशन जो आपका सिस्टम है उसको यहां पर बनाया जाएगा। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये स्कीम हेल्प करेगी हमको अपना टारगेट अचीव करने के लिए, जो हमारा 2030 तक जो हमारा क्या है INDC, जो आपका पेरिस क्लाइमेट डील है, पेरिस जो आपका क्लाइमेट डील है, उसके अंतर्गत जो हमने वहां पर INDC निर्धारित किया है, तो जो हमारा लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में ये भी अपनी भूमिका निभाएगा कि भैया 450 GW जो है हमको 2030 तक जो है रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी के टारगेट को हमको वो क्या करना है वहां पर प्राप्त करना है, तो उसको मदद करेगा वहां पर हमारे टारगेट को अचीव करने में ये। उसके बाद बताया जा रहा है कि ये फैसिलिटेट करेगा ग्रिड को इंटीग्रेट करने में, पावर के इवैक्यूएशन में, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेटली बोला जा रहा है 20 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्रोजेक्ट इन 7 states, ठीक। इसको आप याद भी कर सकते हैं, मतलब लिख सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं इस फैक्ट को। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है ये स्टेट से आपके राजस्थान है, गुजरात है, हिमाचल है, कर्नाटक है, यूपी है, केरला है और आपका तमिलनाडु है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर परियोजना का जो ये सेकेंड फेज है इसमें 10,750 सर्किट जो है किलोमीटर की बात की गई है ट्रांसमिशन लाइन्स की, और 27,500 मेगा वोल्ट जो आपका एम्पियर है उसकी जो है ट्रांसफॉर्मेशन कैपेसिटी के सब स्टेशन वहां पर उनको जो है कनेक्ट किया जाएगा, ठीक है, उनको जो है कनेक्ट किया जाएगा। यहां पर बताया जा रहा पहला फेज जो था इसका वो क्या है अभी आपका अंडर इंप्लीमेंटेशन, कहां पर, आंध्र प्रदेश, आंध्रा, गुजरात, मध्य प्रदेश, हिमाचल, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में। वो भी हेल्प कर रहा है सप्लाई के लिए अराउंड 24 GW ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2022। तो ये बहुत बड़ा योगदान है ना रिन्यूएबल एनर्जी में, ठीक। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है इस प्रोजेक्ट में ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडिया जो है आपका जो भी उसके क्लाइमेट कमिटमेंट्स है जो आपके ग्लासगो में भी अपनाए गए थे COP26 समिट के दौरान, उसको भी प्राप्त करने में ये आपका सहायक होगा। तो बताइएगा जरा यहां पर क्या क्या कमिटमेंट्स थे आपके, है ना, ग्लासगो के बारे में पूछा जा रहा है, COP26 के बारे में जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, ठीक। इसके बाद यहां पर नेक्स्ट जो पॉइंट बताया जा रहा है कि नवंबर में जो आपका समिट हुई थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बोला भी था कि इस दशक के अंत तक जो हमारी अभी तक डिपेंडेंसी क्या थी कि भैया हम फॉसिल फ्यूल जो है उसको यूज कर रहे थे, है ना, जीवाश्म ईंधन, तो उसकी जगह हम विकल्प के रूप में क्या देखेंगे, नॉन फॉसिल फ्यूल से पावर जनरेशन कैपेसिटी करेंगे और 500 GW का टारगेट अचीव करेंगे। उसमें 50% जो है, मतलब कहने का मतलब ये कि हमारा जो रिक्वायरमेंट होगा एनर्जी का उसका 50% जो है हम रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस से क्या करेंगे, वहां से उसको मोबिलाइज करेंगे इस डिकेड के अंत तक। यही जो है संकल्प लिया गया 2030 तक का हमारा लक्ष्य भी है। अब ये जो कॉरिडोर है ये भी सुनिश्चित करने में इससे मदद मिलेगी कि किस तरीके से जो है ह्यूज इंजेक्शन किया जाए ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किस जगह नेशनल ग्रिड में, कहां से, फ्रॉम इंटरमिटेंट एनर्जी सोर्सेज जैसे कि आपका सोलर हो गया, विंड हो गया, है ना, तो उन सोर्सेज की भी बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी जो है यही बताया जा रहा है कि वहां पर भी जो आंतरायिक ऊर्जा स्रोत है उनमें से जहां भारी इंजेक्शन ग्रिड का जो खतरा होता है वो भी यहां पर नहीं रहेगा, नॉर्मल सा फैक्ट है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि अदर पॉइंट्स, तो यहां पर कैबिनेट ने और भी अप्रूव किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंडिया और नेपाल के बीच में, बता रहे कि कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है ब्रिज महाकाली रिवर के ऊपर जो आपका धारचूला एरिया है आपका, है ना, वहां पर। तो ये फैक्चुअल चीज है। इसके बाद बताया जा रहा है कि भारत और नेपाल के बीच में संबंध के संदर्भ में, तो सीधी बात है रोटी बेटी का संदर्भ है हमारा वहां पर, है ना, कल्चरल भी जो है हमारा वहां पर इंट्रैक्शन है, ठीक है ना, और ओपन बॉर्डर वाला भी सिस्टम है वहां पर, ठीक है ना, आप लोगों को ये सब चीजें पता होगी। तो पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है ना वो जो है
एक अलग लेवल में है हमारा, इसीलिए बोलते हैं कि रोटी और बेटी का संबंध है हमारा नेपाल से, ठीक है, नॉर्मल सी चीज है, आईआर का पार्ट है वो। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आर्टिकल है, 24th कॉन्फ्रेंस हुई है अभी ई गवर्नेंस के संदर्भ में 2021 के लिए बताया जा रहा है, तो इसका उद्घाटन किया गया हैदराबाद में जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसकी जो थीम थी आपकी, बताया जा रहा है इस कॉन्फ्रेंस की कि इंडियाज टेकेड है टेकेड डिजिटल गवर्नेंस इन अ पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड, ठीक है ना, ये देख सकते हैं हम लोग, मतलब कभी कभी जो है ये पूछ लिया जाता है थीम वगैरह भी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर छह जो है आपके सिक्स जो आपकी सब थीम्स है उन पर जो है यहाँ पर चर्चाएं होंगी, जैसे पहला आत्मनिर्भर भारत, अब ये टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें क्या करना है कि जो लोक सेवाएं हैं उनका सार्वभौमिकरण करना है, पहली चीज। दूसरा इनोवेशन की बात है, ठीक है, अब इसके लिए क्या करना है, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, और जो उभरती हुई प्रौद्योगिकी है उनके संदर्भ में यहां पर चर्चा होगी, ठीक है ना, और किस तरीके से प्लेटफॉर्म में सब लोगों को एक साथ लाया जाए, है ना, इनोवेशन के संदर्भ में, ठीक है ना, सारे स्टेक होल्डर्स को। तो ये जो है दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा ये है कि यहां पर जो प्रेजेंटेशन है बाय गोल्ड अवॉर्डीज सेंटर ऑफ द स्टेट के, उनके द्वारा प्रस्तुति की जाएगी, है ना, जो भी स्वर्ण पदक जीतने वाले हैं। उसके बाद ईज ऑफ लिविंग बताएंगे यहाँ पर थ्रू टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर गुड गवर्नेंस, बिल्कुल ठीक बात है, गुड गवर्नेंस ई गवर्नेंस बात वही हो जाती है आपकी, अकाउंटेबिलिटी एंश्योर करना, ट्रांसपेरेंसी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो जाता है ना, वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर चीजें क्या होती है, सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है ना, तो इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद गवर्नमेंट प्रोसेस जो भी है उसमें री इंजीनियरिंग और सिटीजन का पार्टिसिपेशन गवर्नमेंट की प्रोसेस में कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट किया जाए, इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। इंडिया स्टेकेड की बात, यहाँ पर डिजिटल इकोनॉमी की बात की जा रही है, ठीक है ना, उसके संदर्भ में यहाँ पर चर्चा होगी। तो इसके इस इवेंट के दौरान बताया जा रहा है कि नेशनल अवार्ड जो है ई गवर्नेंस के लिए 2021 का प्रेजेंट किया गया, उसमें छह कैटेगरीज में 26 ई गवर्नेंस यहाँ पर इनिशिएटिव्स जो है सेंटर और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में, ठीक है ना, उसके संदर्भ में वहां पर जो है लोगों को क्या किया गया, वहां पर प्रदान किया गया है अवार्ड वगैरह, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें 12 गोल्ड 13 सिल्वर एक जो है आपका जूरी अवार्ड शामिल है, तो ये सब नहीं रखना हम लोगों को, हमारे लिए यहाँ पर ई गवर्नेंस और जो आपका गुड गवर्नेंस है वो हमारे लिए कोर पार्ट है। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि वर्चुअल मोड में जो है ये इसमें जो है इस सम्मेलन में अकेडमिक से रिसर्च जो इंस्टीट्यूट है वहां से लोग, आईटी इंडस्ट्री के लोग जो है ना वो सब जो है वहां पर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भाग लेंगे वहां पर पार्टिसिपेट करेंगे, और सारे स्टेट जो है 28 और 9 जो आपके यूटीज हैं उसके भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो उसमें भाग लेंगे। इसमें जो है देश भर में जो भी आपका ई गवर्नेंस से जुड़ी इनिशिएटिव्स के अंतर्गत काम क्या किया जाए कि वहां पर जो है लोगों में अवेयरनेस लाया जाए, और इस संदर्भ को इससे जुड़े जो भी इनिशिएटिव्स हैं उनको किस तरीके से जो है प्रमोट किया जा सके, है ना, वो संदर्भ यहाँ पर रखा जाएगा। और लोक सेवा से जुड़े जो भी आपके अधिकारी जिनको हम सिविल सर्वेंट्स बोलते हैं, है ना, जो आप लोग भी बनने जा रहे हैं, तो उनके संदर्भ में भी, और जो भी आपके इंडस्ट्री के जो आपके अपेक्स लेवल पे बैठे जो के ऑफिशियल्स हैं, है ना, तो उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लास्ट माइल डिलीवरी, जो लास्ट माइल डिलीवरी बोलते हैं हम किसी भी वेलफेयर स्टेट को फॉर्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसी को इंक्लूजन बोलते हैं हम, कि लास्ट माइल मतलब सबसे अंत में विकास के पायदान में जो सबसे अंत में बैठे व्यक्ति हैं उनको भी विकास की मुख्य धारा से जोड़ना। तो जो आपकी सेवाओं की डिलीवरी है जिसमें लोग कहां अंत पर बैठे हुए हैं, लास्ट माइल डिलीवरी बोल रहे हैं सर्विसेज की, उसको भी सफल कोशिश, उसको भी सफल बनाने में जो है किस तरीके के प्रावधानों को अपनाना चाहिए, ठीक है ना, उससे संदर्भित चीजें भी यहां पर जो है वो रखी जाएंगी और उससे उस तरीके के अवसर मिलेंगे, नॉर्मल से चीज यहां पर बताई जा रही है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे यहां पर आर्टिकल है वो आपका कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर सिक्योरिंग कंज्यूमर इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, जीएस पेपर थर्ड में रख सकते हैं। तो अभी जो यहां पर सिक्योर करना है कंज्यूमर का क्या, आईओटी डिवाइसेस, ठीक है ना, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेंटर जो है, जो किसके अंतर्गत है, डिपार्टमेंट जो है हमारा टेलीकम्युनिकेशन का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंतर्गत, तो उसने एक रिपोर्ट जो है वो जारी की है, ठीक है ना, और एज अ बेसलाइन रिक्वायरमेंट जो अलाइन करना है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ और बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ, तो जो भी वैश्विक मानक जो है आपके जो स्थापित है और जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसके साथ जो है इन सब जो आपके संदर्भ है आईओटी से संदर्भित वहां पर जो है उनको क्या करना है, अलाइन करना है उससे संदर्भित, ये आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई है। अब ये जो गाइडलाइन है वो हेल्प करेगी किसको, सिक्योरिटी को और अच्छा बनाने में आईओटी डिवाइसेस से और उससे रिलेटेड जो इकोसिस्टम है ना उससे संदर्भित कोई भी अगर वल्नरेबिलिटीज है तो उसको मैनेज करने में आपका हेल्प करेगा। इस रिपोर्ट का इंटेंशन क्या है,
तो भैया ये इसमें ये बताया जा रहा है कि जैसे हमारे यहाँ अब टाइम टू टाइम आप देखेंगे कि लगातार जो है हमारे जीवन की डिपेंडेंसी जो है आईओटी डिवाइसेस पर बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो ये किसके लिए है, क्या बता रही है ये रिपोर्ट? तो जो आईओटी इक्विपमेंट्स के जो मैन्युफैक्चरर है ना, जो वहां पर सर्विस प्रोवाइडर्स है, ठीक, जो इंटीग्रेटर्स हैं और एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, उनके लिए है ये आपका, ठीक। अब इसकी आवश्यकता क्या है, तो लगातार जो है आईओटी उपकरण की जो यूज है ना, उसमें लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इसलिए ये आवश्यक है कि इससे जुड़े जो भी सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हैं, सेफ्टी के जो भी गाइडलाइंस है ना, वर्ल्ड में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो उनका हम पालन करें, है ना, ठीक है, और वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि डेली यूज में जो भी हम लोग उपकरण यूज कर रहे हैं उसमें भी जो है आपका बहुत सारी चीजें हैं उसमें डेली लाइफ में, है ना, तो कंपनीज भी यूज कर रही है, ऑर्गेनाइजेशंस भी यूज कर रहे हैं, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यहां पर जो है इस संदर्भ में सिक्योरिटी को एंश्योर किया जाए, हैकिंग वगैरह की समस्या ना हो, है ना, यहां पर वो बताया जा रहा है। और एंड टू एंड जो है एनक्रिप्शन सिक्योरिटी के लिए यहां पर लाया जाए, ताकि जो मतलब लोग हैं, जो राष्ट्र के अंतर्गत सभी लोग जो है यूज कर रहे हैं, तो उनको किसी तरीके का नुकसान ना करे, ठीक है ना, नुकसान ना करे, ठीक है। तो यहां पर जो है वहीं पर जो है उनको सिक्योर करना इस पूरे इकोसिस्टम को, इसको जो है इस रिपोर्ट में हाईलाइट किया गया है, ठीक। अब यहां पर ये बताया जा रहा है नेक्स्ट जो पॉइंट है यहां पर, तो यहां पर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिएगा आप लोग। तो आईओटी के बारे में बताया जा रहा है कि ये वन ऑफ द फास्टेस्ट एमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पूरे वैश्विक संदर्भ में बता रहे हैं, ठीक है, और ये जो है बहुत ज्यादा लाभप्रद भी है, ठीक है, और बहुत सारे जो लाभप्रद अवसर भी जो है उपलब्ध कराती है सोसाइटी को, इंडस्ट्री को, कंज्यूमर्स को, ठीक। अब यहां पर बताया जा रहा है कि जो भी हम स्मार्ट सिटी, स्मार्ट मिशन, स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वहां पर आईओटी का यूज होता ही है, कई सारे डोमेन्स में होता है, जैसे कि पावर में, ऑटोमेटिव में, सेफ्टी सर्विलियंस में, रिमोट हेल्थ मैनेजमेंट में, एग्रीकल्चर में, स्मार्ट होम्स में, स्मार्ट सिटीज में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, है ना। तो वहां पर जो है डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है, और भी कई तरीके से आपका ये लाभ प्रदान करता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजीज में, जैसे आपका एज अ सेंसर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज में, सेल्युलर और नॉन सेल्युलर दोनों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, मशीन लर्निंग, क्लाउड और जो आपका एज कंप्यूटिंग होता है, वहां पर भी जो है इस संदर्भ से जो आपका आईओटी है उससे जो है वहां पर लाभ हुआ है। तो अभी तक जो है प्रोजेक्शन के हिसाब से डेटा बता रहे हैं कि 26.4 बिलियन आईओटी डिवाइसेस जो है वो सर्विसेस में है ग्लोबली बाय 2026, है ना, तो उपयोग में लाए जा सकते हैं, इतना ये प्रोजेक्शन है। तो इसके अंतर्गत बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली जो 20% है वो आपका सेल्युलर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, और इसमें रेशियो जो है आपका कंज्यूमर और एंटरप्राइजेस का आईओटी डिवाइसेस में वो आपका 45% से 55% तक हो सकता है, ये बताया जा रहा है। अब यहां पर नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन जो पॉलिसी 2018 में हमारे देश में जो लॉन्च की गई थी डीओटी के द्वारा, तो उसमें बोला भी गया था कि एक ऐसा इकोसिस्टम हम क्रिएट करेंगे जिसमें 5 बिलियन डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाएगा 2022 तक, ठीक है। और उसमें यह बताया जा रहा था कि इसमें जो एक्सपेक्टेड है कि लगभग जो 60% है 5 बिलियन का, इज दैट लगभग आप समझ लीजिए 3 लाख, जो मतलब 3 बिलियन जो है आपका वो आपके डिवाइसेस कनेक्ट किए जा चुके हैं अभी तक 2022 तक, ठीक है ना। तो ऐसे जो है यहाँ पर डेटा है, कुछ डेटा अपने पास रखा जा सकता है। इसके बाद चिल्का लेक के बारे में जानकारी है, तो सीधी बात है, मैप में आप देखेंगे उड़ीसा वाला पार्ट ही आपका, और उड़ीसा में गंजम पोस्ट आप लोगों ने देखा होगा, वेटलैंड के अंतर्गत इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट जो आपका एरिया है उस तरीके की साइट में इसको सम्मिलित किया गया है, ठीक है ना। तो ये सब यहाँ पर क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चिल्का झील है यहाँ पर बताया जा रहा है, एशिया की लार्जेस्ट जो ब्रैकिश वाटर लगून है उसके अंतर्गत इसको शामिल किया गया है, और यहाँ पर जो है यहाँ का जो एनवायरमेंटल एस्पेक्ट है बायोडायवर्सिटी उसके संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10.74 जो लैक बर्ड्स है उसमें इंक्लूड कर सकते हैं अपन, अनकॉमन जो है इंक्लूड किया जाता है, मंगोलियन गल जो है आपका, और ये सब जो है यहाँ पर विजिट करते हैं इस वाटर बॉडी में विंटर में, इसीलिए ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो जब विंटर में बहुत ज्यादा वहां पर हार्श हो जाती क्लाइमेटिक कंडीशन, तो वो जो है प्रवास करके दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, ये आप लोगों ने सुना होगा, उसी के अंतर्गत ये भी है आपका। तो यहां पर की पॉइंट बताया जा रहा है कि जो आपका वाटर बर्ड्स स्टेटस
स्टेटस सर्वे है 2022 का, वो कंडक्ट किया गया चिल्का में, और यहाँ पर बताया गया कि लगभग 107 स्पीसीज और इसमें जो है 37,953 इंडिविजुअल जो है वो काउंट किए गए इस पूरे लगून में। ये सब डेटा याद नहीं कर रहे हैं, ये जानना है हमको कि बायोडाइवर्सिटी के संदर्भ में बहुत रिच एरिया है। इसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि लास्ट ईयर जो है काउंट किया गया था चिल्का में, मतलब जो 12 लाख से अधिक थी है ना, ये जनगणना है ना, ठीक है। अब मेंबर्स जो इसके पार्ट है सेंसस के अंतर्गत, ठीक है ना, ऑल्सो रिपोर्टेड साइटिंग द मंगोलियन गल, तो ये याद रख सकते हैं आप मंगोलियन गल, ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए कि इसमें जो है कहां पर इसको देखा गया, तो यहां पर देखा गया, ठीक। अब ये जो सेंसस आपका यहां पर लाया गया था वो आपका किसके अंतर्गत लाया गया था, तो ये बताया जा रहा है कि भैया इसमें चिल्का जो आपका विकास प्राधिकरण है और जो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी उसके द्वारा क्या की गई थी संयुक्त रूप से इसको जो है जो गणना है उसको निकाला गया था। अब बताइएगा ये BNHS बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में दो तीन लाइन में लिख के बताइएगा, ठीक है ना, ये संस्था है कैसी, करती क्या है, बहुत पुरानी संस्था है, बहुत इंपॉर्टेंट है एनवायरमेंट के संदर्भ में, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट बॉडी है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि यहां पर जो ग्रेटर फ्लैमिंगो है ना उसके नंबर्स में भी यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है। अब ये देख लीजिए आप, ये भी यहाँ पर पाया जाता है कहाँ पर, तो जो आपका नाला बना मड फ्लैट है जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर जो है रिस्टोरेशन हो रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस ईयर जो है ग्रेटर फ्लैमिंगो की जो आपकी गणना है वो हाइएस्ट थी पूरे दशक के दौरान, तो ये तो अच्छी न्यूज है हमारे लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि भैया प्रबंधन वगैरह के संदर्भ में जो आयाम यहाँ पर अपनाए गए होंगे वो अच्छा रहा होगा, तभी तो इनकी संख्या में जो है वृद्धि देखी जा रही है। अब चिल्का लेक के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि ब्रैकिश वाटर लगून है, ठीक है ना, और पुरी के आसपास के क्षेत्र में और खुर्दा गंजम जो डिस्ट्रिक्ट है आपका गंजम कोस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका जो है प्रसार देखा जाता है हमारे जो भारत के संदर्भ में ईस्टर्न कोस्ट का पार्ट हो गया ये आपका, ठीक है ना, एट द माउथ ऑफ दया रिवर, ठीक है ना, फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, तो सीधी बात है वहीं तो फ्लो हो रही है। कवर करती एरिया लगभग 1100 स्क्वायर किलोमीटर और ये सबसे बड़ी जो है आपकी कोस्टल लगून है आपकी, है ना, झील जो है आपकी कैसी है? कोस्टल लगून है लार्जेस्ट इंडिया की और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर जो है लगून के अंतर्गत भी इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना, पूरे विश्व में आफ्टर द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ के बाद। इसके बाद इसको लिस्टेड किया गया है टेंटेटिव जो आपका यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ठीक है ना, लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है ये भारत की, ठीक है, और इसमें जो है विंटर के दौरान जो है बहुत सारे माइग्रेटरी जो आपके बर्ड्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंतर्गत, ठीक है ना। तो बहुत सारी जो थ्रेटेंट स्पीसीज है प्लांट्स की एनिमल्स की, तो वो उसका ये क्या है, होम है, ठीक है ना, ये झील, इसीलिए बायोडाइवर्सिटी के एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा फिशरी रिसोर्स भी है ना, ये पूरा जो है यहाँ पर बताया जा रहा है और यहाँ पर जो है बहुत सारी जो है उनकी ब्रीड वगैरह पाई जाती है, यहाँ पर बहुत सारे जो मछुआरे हैं उनका भी पालन पोषण होता है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं है ना वो भी जो है इस पर निर्भर है, किस पे, फिशरीज का जो रिसोर्स है, ठीक। अब यहाँ पर बताया जा रहा है 1981 में जो है इस झील को डेजिग्नेट किया गया पहले इंडियन वेटलैंड ऑफ, पूरी चीज सुनना है यहाँ पर, इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर द रामसर कन्वेंशन। अब जो रामसर कन्वेंशन है उसके अंतर्गत वेटलैंड किसे बोला जाता है, उसका क्या आधार है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे की ओर चलेंगे और जो नेक्स्ट फेज है हमारा वो रिलेटेड है किससे, एमसीक्यू से, और सबसे पहले रियो वायरस से रिलेटेड स्टेटमेंट है, बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ये कि उड़ीसा ने अभी रिसेंटली देखा है कि जो मड क्रैब जो आपका रियो वायरस है ना, वो आपका रीजन है जिसमें मास मोर्टेलिटी देखा गया है वाइल्ड क्रैब के अंतर्गत, तो ये उड़ीसा नहीं आंध्र प्रदेश की बात है, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, आंसर वैसे भी मिल जाता है। दूसरा ये कि इसको जो आपका जाना जाता है इस डिसीज को, तो स्लीपिंग डिसीज के नाम से भी जाना जाता है, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि ये मेनली जो है आपका वो अफेक्ट करता है कनेक्टिव टिश्यूज में, है ना, जैसे आपका क्या हो गया, जो आपका यकृत अग्नाशय गलफड़े है ना, इस जगह पर जो है ये संयोजी जो ऊतक है उनको प्रभावित करता है, तीसरा स्टेटमेंट भी ठीक है, इसका आंसर आपका ओनली सेकंड एंड थर्ड बी हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये देखेंगे हम लोग, और यहाँ पर नई तालीम से रिलेटेड स्टेटमेंट बताना कौन सा टू है। तो पहला ये कि नई तालीम को जाना जाता है जो आपका बुनियादी शिक्षा के रूप में, मींस बेसिक एजुकेशन, बिल्कुल ठीक है पहला स्टेटमेंट। दूसरा ये कि इसे एक्सपेरिमेंटल लर्निंग भी बोला जाता है, ये भी ठीक है। तीसरा ये कि ये इसेंशियली जो है मास एजुकेशन अप्रोच है ड्यू टू इट्स सेंट्रलिटी ऑफ सोशली यूजफुल वर्क एंड वॉज एक्सपेक्टेड टू क्रिएट अ नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो बिल्कुल ठीक है, तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। और इसी के साथ जो है इसका आंसर आपका ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, जो कि डी में दिया है। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।